बिजनौर में समाजवादी पार्टी के नेता और पुलिस के बीच झड़प हुई है। बिजनौर के नजीबाबाद में पोस्टल बैलेट रद्द करने के सीडीओ के फैसले पर एसपी नेता ने आपत्ति जताई। पूर्व चेयरमैन और एसपी प्रत्याशी शबिया परवीन के पति मौजम खान हंगामा करने लगे, जिसके बाद मौजम खान को जबरन उठाकर बाहर किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एसपी नेता को पुलिस उठाकर ले गई। एसपी नेता ने पुलिस के साथ में बहस करने की कोशिश की। बिजनौर में एसपी नेता और पुलिस के बीच में झड़प हुई और झड़प के बाद देख सकते हैं आप कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता को पुलिस ने टांग कर बाहर किया। प्रत्याशी के पति हैं ये, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके पति मौजम खान, जिन्हें पुलिस ने पकड़ करके बाहर कर दिया। इंडिया न्यूज संवाददाता राजवीर ज्यादा जानकारी के साथ बिजनौर से मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजवीर, ये पूरा वाकया बताइए और ये इस तरह का की जो झड़प थी कितनी देर यूं ही चलती रही? राशिद, मैं आपको बता दूं, मामला है बिजनौर जिले के नजीबाबाद नगर पालिका का। ये मामला है, ये पूर्व चेयरमैन है समाजवादी के मौजम खां, इस बार टिकट तो इनकी पत्नी सबिया परवीन को मिला है। उसी को आज मतगणना जैसी शुरू होती है तो इन्होंने आपत्ति, इनके बैलेट पेपर कैंसिल कर दिए गए थे, कुछ जिनमें कुछ त्रुटि थी, तो सीडीओ इंद्रमणि त्रिपाठी मौके पर मौजूद थे, उनसे इनकी मौजम खां की बहस हो जाती है और बहस टूटू मैमे में हो जाती है। अभद्र व्यवहार यहाँ पर सीडीओ के साथ किया गया है सपा नेता के द्वारा। उसी को देखते हुए डीएम एसपी मौके पर पहुंचते हैं। एसपी प्रभाकर चौधरी के वहां पहुंचते ही सपा नेता फिर आग बबूला हो गए, उनसे भी झड़प होती है। उसके बाद एसपी ने पुलिस वालों को आदेश दिया कि इन्हें उठाकर बाहर कर दिया जाए, मतगणना स्थल से उठाकर पुलिस ले जाती है और अब इस समय उन्हें थाने में रखा गया है और जब तक मतगणना चलेगी सपा नेता थाने में रहेंगे। और बताया, सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि कोई मुकदमा भी इनके खिलाफ यहां पर लिखा जा सकता है। ठीक है राजवीर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिजनौर से यह खबर आप देख रहे थे, जहां पर पूर्व नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी नेता मौजम खान से पुलिस की झड़प हुई है।